ऋषि पुत्र तू टेंशन ना ले, एक उगी ता हले बच्ची है, एनु की पता कि डड्डा पानी कदों पिंदिया ने, एनु ता सिर्फ बकर बकर करना होंदा है। हले नवी नवी चेली बनी है, होली होली सब सीख जाओगी। शनु आंटी इंज मैनु शर्मिंदा ते ना करो तुसी, अब मनिया मैनु नहीं पता सी, चलो हुन दस दो बच्चे दी जान लोगे तुसी दोवे, दसो प्लान किया तुहाडा। ओहो मैं तेनु ताही ता प्यार ना कुगी कहनी है, चल कोई नहीं हुन जरा तू ध्यान नाल सुन, आज तू वेख रही है ना आ प्लान नहीं है, प्लान ता कुछ होर है। ते ओही ता मैं कह रही हां तुहाडे दोवां दा प्लान की है। मासी जी ता तुहाडी ये चली एक्साइटेड बहुत हुंदी है। ओ कोई नहीं ऋषि पुत्र, जदों मैं जवान हुंदी सी मैं भी एदे वांगू ज्यादा एक्साइटेड हो जांदी सी। चल छड़ ते हुन सुन कुगी तू साडा प्लान। हां जी दसो। जेडी जीजू ना सीरत गुस्सा नहीं होंगे, सिद्धा डिवोर्स की फाइल देंगे, कहेंगे सीरत तू ना हुण दफा हो जा, इस घर च रहन दा ना तेरा हुण कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल सही, फिर दस मंदी है ना शनो दे खुराफति दिमाग नू। शनो आंटी जी थानू देना लव यू कहने दा दिल करता पिया मेरा, तुसी जो सोच लिया ना मैं तो दे कदी नेड़े तेड़े भी नहीं सोच सकती। मिंडी आई एम वेरी सॉरी, सीरत तेरी सिस्टर आ, पावे वो कोई भी होवे जो साडे खानदान नू दाग लाने की कोशिश करूगा वो बख्शा नहीं जाऊगा। नाले तैनू ये भी पता है कि उसने मेरे ब्रो दी लाइफ कितनी स्पॉइल की थी। ऋषि जी सब तो पहले तो थानू मैं ए गल क्लियर कर दा कि ओ ना मेरी कुछ नहीं लगती, ठीक है वो मेरी सगी भैन है पर आज की तरीक च ना वो मेरी सब तो वड्डी दुश्मन है, जे उन्हें मेरा घर नहीं ना वसन दिता तो मैं भी उदा घर नहीं वसन दे सकती। मासी जी तुहाडी चेली च करंट ता है। थैंक यू ऋषि जी, तुसी ना सीरत नू नहीं जानते, जिन्नी मूँह की मिठी है ना उन्नी ना दिल की खोटी आओ, थानू मैं की दसा उन्हों ना बहुत गरूर है कि उदा व्याना बहुत वड्डे करे हुए, जो मन करता है खांदी है, जिदा दिल करता है पांदी है, सुपरस्टार हसबेंड जेडी वर्गा उन्हों हसबेंड मिले, शनु आंटी वर्गी कितनी चंगी उन्हों सस मिली है, पर ना उन्हों किसी भी चीज़ की ना कदर नहीं हैगी, उन्हों ते ना बस अपना मतलब दिखता है किसी का नहीं होर। ऋषि मिंटी बिल्कुल सही कह रही है, बाकी मिंटी उन्हें तेरा घर भी ना जान बुझ के बसन नहीं दिता क्योंकि वो तेरे तो ना अंदर ही अंदर जेलस करती है, ओनू इयो डर है किधरे तू ओदे बराबर ना पहुंच जे। कोई नहीं शनु आंटी हूं ना ओदा वक्त आ गया समझो, बस तुसी ओनू इदां दा तक्का मारोगे कि ओ ना मेरी पैर दे तोड़ बराबर भी नहीं होएगी। मैं ते चाहनी हां शनु आंटी तुसी ना ओनू इदां दी थां ते सुट्टो कि ओ ना मेरी पैरां दे तोड़ दे बराबर भी ना होए, ओदा ना इदां दा जलूस निकले कि सारे घर दे हैरान होन ते मेरे वर्गी हसे। तू घबरा ना चेलिए, ओदा जलूस तां एवें निकलेगा ना कि ओ खून दे हंजू रोएगी, विच चौराहे दे ओदे कालस मल के ना ओनू एहो जा बेइज्जत करांगी ना कि ओ याद रखेगी, ते जे मैं ना कर सकी ना ता मेरा नाम शनो नहीं पावे कुछ होर रख दियो। ते शनो आंटी जे मैं तुहाड़ा साथ देने तो मुकरी ते मेरा भी नाम मिंटी नहीं, जो मर्जी कह दियो। तमिलावत एक ता एक 11 हुंदे ने, जे एक होर मिल जावे ता 111 हो जांदे ने। मेरा पर्सनल नंबर देता किन्ने, मीडिया च किसी कोल मेरा नंबर नहीं है,
हिम्मत कितना पाई तुमने? प्रॉब्लम क्या थोड़ी है? थोड़ी हिम्मत कितना पाई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे पूछने ली? मेरी भैन के विह बारे पूछने की थोड़ी हिम्मत कितना हुई? फोन कटो। जिमी पुत्र की होया? इन्ने गुस्से च किहदे नाल गल कर रहा? बीजी मीडिया च गल फैल गई कि सुपरस्टार जेडी दी भैन ने ड्राइवर दे मुंडे नाल भज के विआह कर लिया। इन्नी कॉल आ रही नहीं बीजी, पता नहीं की सवाल पूछ रहे हैं, मैनू समझ नहीं आ रहा की कहां। हाँ जी बीजी, एदे बारे ना मैनू मामा जी दसदे पे सी। थानू पता है मीडिया वाले ने ना दिमाग खराब किया होया है, हुण उधर ऑफिस च भी ना दीक्षा बहुत परेशान है, उन्होंने भी ना लोग पता नहीं किदा किदा सवाल पूछते पे ने। लोगों का की है, लोग तो यहोजी गल्लां पालते ने, उन्होंने तो मौका लभना चाहिए किवें किसी के जख्मां ते लून भूकिया जाए। पर भी जी इस नाल अपने खानदान की कितनी बदनामी हो रही है, ते नाले मेरे करियर, मेरे करियर दे लई कितनी माड़ी गल है। फिर तू की सोचदा जिमी पुत्र, सानू की करना चाहिए हूँ? मैंने लगता है कि सानू ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनानी चाहिए ते निक्की दा व्याह अनाउंस कर देना चाहिए। आपां कहांगे कि आपां गुरुद्वारे च बहुत सिंपल तरीके नाल व्याह कीता, इदां करके आपां अनाउंसमेंट कर दें, ते नाले हरजीत दे पेरेंट्स नूं भी बुला लांगे। ये चंगा आइडिया पुत्र तेरा, तेनू छेती एक कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए है, इहदे नाल लोकां दे ते नाले अपने रिश्तेदारां दे अपने आप ही मूँह बंद हो जाएंगे। हाँ जी बीजी, मैं एक काम करना, दीक्षा नूं फोन करके कहना कि कॉन्फ्रेंस अरेंजमेंट कर दे। जीजू असी ना कॉन्फ्रेंस अज ही रख देने, क्योंकि कल ना थोड़ी शूटिंग हैगी है, तो कल दे दिन कॉन्फ्रेंस करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ गल तो ठीक है, फिर एक काम कर दें कि अज ही करा लेंगे कॉन्फ्रेंस। जिंदा रहे पुत्रा, वाहेगुरु तेरे वर्गे वीरे देन सारियां भैणां नूं, जेड़े अपनियां मुश्किलां भुल के अपनियां भैणां बारे ते अपने खानदान बारे सोचदे ने। राजी रह, शाबाश पुत्र। की होया पुत्र, रोई क्यों जा रही है तू? मम्मी, मम्मी निक्की मुक्कर गई। मतलब निक्की ने तैनूं झूठ बोलिया सी? हाँ जी मम्मी, मैनू भी आई लग रहा है कि उन्हें मैनू झूठ बोलिया। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਮੰਨਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੀ ਸੀਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੰਮੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ, ਸੱਚ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਸੀਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੀਰਤ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰਜੀਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪੁੱਤਰਾ, ਇਸ ਸੀਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੀਰਤ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਪਾਪਾ ਜੀ,
सीरत पापी ने साडा उस वेले साथ दिता सी जदों साडे नाल कोई खड़े होने की सोच भी नहीं सकता सी। साडे करके उन्हां ते इन्ने वड्डे वड्डे इल्जाम लग रहे ने ते असी कुछ नहीं कर रहे। पापा जी मैनू नहीं पता कि निक्की दी बीजी नाल की गल हुई है। मैनू भी जदों पता लगा कि सारा घर उहदे खिलाफ हो गया है मैनू बहुत ही बुरा लग्या। कोई नहीं पापा जी तुसी टेंशन ना लो मैं करदा गल। चल ठीक है पुत्र। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਥਿਕਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਖੇਡੋਗੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੀ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। समझे? आ ऋषि गुस्से च किहदे नाल गल कर रहा? समझ तां मेरे कुछ खास नहीं आया पर कह किनू रहा? नाले आ लैटर दी की गल बात है? मैं तुहाडे नाल बहुत प्यार करदी हाँ। जदों दा तुहानू वेख्या मैं अपने होश भुला बैठी। तुहाडा गल करन दा स्टाइल मैनू बहुत चंगा लगदा है। तुसी मेरे तो प्लीज़ दूर ना रहा करो। मैं तुहानू मिलना चाहुंदी हाँ, तुहाडे नाल गलबात करना चाहुंदी हाँ। प्लीज़ मैनू तुसी बालकनी दे मिलन लई आ सकदे हो। मैनू तुहाडा इंतजार रहेगा। आई एम वेटिंग ओनली फॉर यू। कौन लिख सकदा है? किते मिंटी? ਕਿਤੇ ਮਿੰਟੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਮਿੰਟੀ, ਸ਼ਨਾ, ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਮਿੰਟੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੀਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤੀ ਭੋਲੀ ਨਾ ਬਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬੀਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟੀ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੀਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਰਵੇਂ। ਬੀਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਂ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਜੀ ਮਿੰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
तू चुप कर सीरत। सॉरी मांग के ना बहुत ही महान बनने की कोशिश ना कर। तो जे मैं गलती कीती भी है तो माफी भी ना मैं आपे ही मंगांगी। तू ना बहुत ही सियानी ना बने कर, मेरे मुंह च ना लाचियां नहीं पईयां होईयां। बीजी मैं कुछ भी नहीं कीता, मेरा विश्वास करो बीजी। अच्छा तो फिर तू ही दस होर किने कीता है? इस घर च होर है ही कौन? बीजी हाँ की गल बनी कि घर च कोई भी गलत काम होता है तो वह मिंटी करूंगी? बीजी ये तो बहुत गलत गल है, यह तो सरासर इल्जाम है मेरे ते। बीजी नहीं बीजी रुको, मैं दसता हूँ सारी गल। बीजी मनिया इस तो पहले मिंटी ने बहुत सारी गलतियां कीतियां ने, पर एदा मतलब है नहीं कि यह गलती भी मिंटी ने की होनी है। इदा तो कोई सबूत भी नहीं है साढ़े को। बीजी तुसी छड़ो इस गलते मिट्टी पाओ ना। सबूत का की है? आ चिट्ठी अपने आप च सारा कुछ कह रही है। तू मैनू दस तेनू आ चिट्ठी दिती किने सी? बीजी तुसी छड़ो, मैं तुहानू कही तां जाना मिट्टी पाओ। तुहानू किसे ते भरोसा होवे या ना होवे पर अपने घर दे बच्चे ते भरोसा तां है। भरोसा तो है ऋषि पुत्र, पर बस जदों मेरे ते भरोसा है तो घबराओ ना। मैं किसी भी कीमत पर किसी नूं भी इस घर नूं बिखेरन नहीं देवांगा। जे कोई भी मेरे घर विच दरार पाण की कोशिश करेगा मैं उसनूं छड्डांगा नहीं। पुत्र यही तो मैं पूछ रही हाँ। बीजी कई गल्लां ते पर्दा रहे तो वह चंगा लगता है। तुसी बस शांत हो जाओ, तुहाडा बीपी नहीं तो फिर तो बढ़ जाना है। चलो बीजी मैं तुहानू काढ़ा पिला लेना। चलो हे वाहगुरु, हुण किधरे इस कुड़ी ने कोई नवा स्यापा तो नहीं पा दिता, फिर किधरे साडे लई नवा स्यापा खड़ा करेगी। मिंटी प्लीज जे तू कोई गलती की है तो मैनू दस दे, मैं किवें ना किवें करके सांभ लाँगी। वेख हुण तेरी एक मिसटेक तो मम्मी पापा नू बहुत बुरा लगेगा। तू चुप कर सीरत, मैनू ना बहुता ज्ञान ना दे। ज्ञान ना बथेरा मेरे को लगी समझ? ते नाले तू तो इवें गल्लां करदी पई है जिदा तू बड़ी सती सवित्री होए। सब पता मैनू, फिर मासी जी किवें रहे अज का दिन? वेख्या सीगा सीरत दा फेस? पर मासी जी हुण सानू कुछ डिफरेंट सोचना पैना है, क्योंकि सीरत दी इमेज इस घर च बहुत स्ट्रोंग ने, इसलिए साड़ा शॉट भी बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए है। कि जिस दे एक जोरदार वार दे नाल ओदी इमेज दे टोटे टोटे हो जाएंगे। इस तरह के हल्के झटकिया के नाल कुछ नहीं बनना। पर जो सी आज किता वो भी कोई हल्का झटका नहीं सी। पर हुन सानू कुछ बड़ा चाहिए है, समथिंग बिग, कुछ कैंट। बस तू ऐदा ही मेरा साथ दे पुत्र, मैं उस लई इस घर नूं ऐसा नरक बना दूंगी ना ते वो एथों जाना अपनी खुशकिस्मती समझूगी। मासी जी मैं तो हमेशा तुहाडे नाल ही हां, पर इस वार कुछ एहो जिहा कर दो कि स्वाद आ जाए। वेखण वाले नूं इह लगे कि सीरत तो वड्डा इस दुनिया च कोई गुनहगार नहीं। वेखो आपां तां तीन शैतानी दिमाग आ, जे फिर भी आपां कुछ वड्डा नहीं कर पाए तो की फायदा। बस इहो जिहा करना है कि सीरत दी उल्टी गिनती शुरू हो जाए। बिल्कुल पुत्र ऐदा ही होएगा। शैतान बच्चे तैनू कुछ शर्म हैगा? कल्ला कल्ला ही पी जा रहे हैं।
पार्टनर कल्ले क्यों, आपा भी पीवांगे। मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूं। चलो हो जाए फिर चीयर्स। 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 एक मिनट मासी, मैं आऊंगा। हेलो अन्नू, केड़ा जरूरी फोन आ गया, जोड़ा तो चला गया। चल कोई नहीं, कर लें दे उन्हें गल। आपा तो सेलिब्रेट कर दें, सेलिब्रेट सीरत दी बर्बादी ले। मेरी सकी भैन सीरत, जिन्हें कदी भी मैनू अपनाया नहीं, हमेशा मतलब कटिया। ओदे बुरे दिन शुरू होने लगे।